हेलो दोस्तों, माय नेम राहुल, आर्किटेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आपका आधार कार्ड गुम या खो गया है तो इस ऐप से करें डाउनलोड, घर बैठे मिनटों में हो जाएगा आपका काम। हाँ जी हाँ, आज की डेट में आधार कार्ड के बिना कोई भी ज़रूरी काम मुमकिन नहीं। फिर चाहे वो बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी योजना का लाभ उठाना हो, या बच्चा का स्कूल में एडमिशन कराना हो। इसीलिए आज हर किसी की जेब में आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्या हो अगर आपका आधार कार्ड गुम या चोरी हो जाए? ऐसे में आपको परेशानी होने या किसी ऑफिस से चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। अब आप घर बैठे अपने फ़ोन पर कुछ क्लिक करके आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने फ़ोन में आधार कार्ड की कॉपी को भी सेव करके रख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले एम आधार ऐप डाउनलोड करें। एम आधार कार्ड को अब ओपन कर लेना है। के बाद आप जिस भाषा को अच्छे से समझते हैं वो भाषा चुनें। अब आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो डालें। फ़ोन पर OTP आएगी, वो डाल के सबमिट कर दें। हाँ, आपको मेन स्क्रीन पर ही डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिखेगा रेगुलर आधार या मास्कड आधार। इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुनें। आपको स्क्रीन पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आधार नंबर डालकर आधार डाउनलोड करने का है, दूसरा वर्चुअल आईडी डालकर, और तीसरा ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट आईडी नंबर डालकर। आप इन तीनों में से कोई भी डिटेल डालकर आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर डालकर आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नंबर और सिक्योरिटी कैप्चर डालकर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसको डालकर सबमिट कर दें। सबमिट बटन दबाने के ही बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन।